नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। तीसरे प्रखंड दक्षिण भाग के जिला परिषद उम्मीदवार राजेंद्र यादव ने खिजूरी चौक पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को फीता काट कर किया। राजेंद्र यादव ने कहा कि उनके पक्ष में जनता की भारी समर्थन है। वे कई वर्षों से गरीब असहाय के बीच समाज सेवी के रूप में जनता का सेवा करते आए हैं। जिला परिषद में जीत के बाद वे और बढ़ चढ़कर गरीब असहाय जरूरतमंद का निष्पक्ष रूप से सेवा देंगे। इस मौके पर पूर्व BC सूत्री अध्यक्ष कुलेश्वर सिंह, महादेव हसांदा, निर्मल यादव, सत्यदेव लाल, वासुदेव नंदन यादव, भिखारी रविदास, उमेश यादव, नंदकिशोर तुरी, सोनी देवी, संतोष सिंह, बुल्लू बरनवाल, मोहन हेब्रेन, संतोष हसांदा समेत दर्जनों लोग शामिल थे। देखिए, मेरा मुद्दा है कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना, मूलभूत रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं पूरे क्षेत्र में, प्रदान कराना मेरा प्राथमिकता है। और निश्चित तौर पर जब मेरी विजयी होगी तो मैं सारे समस्या का निदान के लिए सड़क से लेकर सदन तक, जिला परिषद का जो सदन होता है वहाँ तक संघर्ष करूँगा और अपने क्षेत्र के लिए यथा संभव विकास करूँगा।